आइए देखा जाए, अगली जो बोन है हमारी वो स्टर्नम है। स्टर्नम को अगर आप देखें तो आप ये बात समझें कि स्टर्नम ये सीधे बीचों बीच जहां पर आपकी टाई लटकती है स्कूल में, सिर्फ वही बोन जो है स्टर्नम है। स्टर्नम जो है मिड बेंटल है, अगर आप समझें तो पीठ हमारी डॉर्सल साइड पे है और जो हमारा ये एरिया है ये बेंटल साइड में है। तो अब बेंटल साइड के बीचों बीच में ये बोन है। तो अगर आप स्टर्नम के बारे में लिखते हैं तो आप सबसे पहले इसके बारे में पहला कमेंट लिखें कि सर देखिए ये मिड बेंटल है, या ऐसे लिख सकते हैं लोकेटेड मिड बेंट्रली, लोकेटेड मिड बेंट्रली मतलब बेंटल साइड पे बीचों बीच पड़ी है ये बोन, लोकेटेड मिड बेंट्रली, बेंटल साइड पे बीचों बीच पड़ी है ये बोन जो हमारी स्टर्नम है। क्योंकि ये ब्रेस्ट के आसपास होती है इसलिए इसका दूसरा नाम ब्रेस्ट बोन भी है। ब्रेस्ट बोन इसका नाम है क्योंकि ब्रेस्ट जो होते हैं, अगर आप देखें, ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रेस्ट इज लोकेटेड नियर इट, क्लोज टीट से लिख सकते हैं, इसी के आसपास जो ब्रेस्ट होते हैं वो पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग शायद ब्रेस्ट बोन कहते होंगे। इसका दूसरा नाम ब्रेस्ट बोन है, मिड बेंटल है। तीसरी बात अगर कभी आप ध्यान दें तो ये फ्लैट बोन है। आप कभी आप चेक करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये फ्लैट बोन है। स्टर्नम जो है चपटी होती है, आप चाहे हाथ लगा कैसे देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगी। अगर इसके पार्ट्स की बात किया जाए तो इसके तीन पार्ट्स हैं। ये देखिए इसके पार्ट्स की बात किया जाए तो पहला जो प्रोसेस पार्ट है उसे हम लोग मैनुब्रियम कहते हैं। ये देखिए पहला पार्ट जो होता है उसे हम लोग मैनुब्रियम कहते हैं, दूसरा पार्ट जो होता है उसे हम लोग बॉडी कहते हैं, और तीसरा पार्ट जो होता है उसे हम लोग प्रोसेस कहते हैं। ये तीन चीजें हैं। अगर आपको चाहे तो प्रोसेस का नाम लिख लें कि इसमें जिफाइड प्रोसेस पाया जाता है। ये प्रोसेस जो होता है ये एच शेप्ड होता है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ये देखिए पहला पार्ट हो गया जिसे मैनुब्रियम कह रहे हैं, दूसरा जिसे बॉडी कह रहे हैं, तीसरा जो है उसे हम लोग प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस का नाम जिफाइड प्रोसेस से पूछा जाता है, जिफाइड प्रोसेस कहाँ पाया जाता है तो आपको जवाब देना है। अगर आप इस बोन का फिगर बनाने की सोच रहे हैं तो आपको इस फिगर बोन का फिगर कुछ ऐसे बनाना चाहिए। ये देखिए ये बोन जो है इसका फिगर आपको कुछ ऐसे बनाना चाहिए, इस तरह से, और यहां नीचे लाके आपको यहां पर ये देखिए ये स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। इसे लिखना चाहिए कि सर ये जिफाइड प्रोसेस है, ये देखिए जिफाइड प्रोसेस है, लिख दीजिए। ये पहला प्रोसेस हो गया। अगर आप यहां पर देखें तो छोटे छोटे ऐसे लोकेशंस होती हैं जहां पर वर्टिकल कॉलम आके जुड़ती, सॉरी रिप्स आके जुड़ती हैं। इन लोकेशंस को हम लोग बॉडी कहते हैं। ये देखिए ये पूरी पूरी लोकेशन है जिसे बॉडी कहते हैं, यहां से लेके यहां तक की प्रोसेस। इस जगह पर आप देखें तो ऐसे कैविटी है, कैविटी है जहां पर ये देखिए कॉलर बोन आके जुड़ जाती है। ये इस तरफ से ये कॉलर बोन जुड़ जाती है और इस तरफ से ये कॉलर बोन जुड़ जाती है। अगर इस कॉलर बोन का आप नाम देखें तो इसका नाम क्लेविकल है, क्लेविकल है, या इसी का नाम कॉलर बोन है। चाहे क्लेविकल लिखें चाहे इसे हम लोग कॉलर बोन लिखें, ये बोन इससे आके जुड़ जाती है। अब देखिए इस तरह से ऐसे बोन आके दोनों यहाँ पे जुड़ती हैं इस जगह पे। और अगर आप मूवमेंट देखें तो यहाँ बहुत हल्का सा मूवमेंट है। देखें ये लोकेशन है, यहाँ पर ज्वाइंट है, ये जो ज्वाइंट है ये कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है, चाहे वो यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो। चाहे अगर आपको ज्वाइंट लिखना है तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि सर देखिए अब ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया को हम लोग मैनुब्रियम कहते हैं। ये देखिए ये प्रोसेस है जिसे मैनुब्रियम कहते हैं, ये है बॉडी और ये है जिफाइड प्रोसेस। अगर आपसे कोई पूछे कि कार्टिलेजिनस ज्वाइंट कहाँ पे है तो आप फट से ऐसे लिखिए कि सर जो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है, ये देखिए जो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है वो है बिटवीन बिटवीन क्लेविकल एंड बिटवीन क्लेविकल एंड कौन सी बोन, स्टर्नम। स्टर्नम और क्लेविकल के बीच में जो ज्वाइंट है वो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है।
जितने भी कार्टिलेजियस ज्वाइंट होते हैं सबके सब पार्शियली मूवेबल होते हैं, पूरी तरह से मूवेबल नहीं होते हैं, लेकिन ये सारे ज्वाइंट पार्शियली मूवेबल होते हैं, ये देखना है आपको। यहाँ पर जब आके रिप्स जुड़ जाती हैं, ऐसे यहाँ पर ऐसे रिप्स आके भी जुड़ेंगी, मैं आपको सिखाता हूँ। तो आप वो भी जो ज्वाइंट होता है बिटवीन रिप्स एंड स्टर्नम, बिटवीन रिप्स एंड स्टर्नम, रिप्स और स्टर्नम के बीच में भी ज्वाइंट जो है वो कार्टिलेजियस ज्वाइंट है, सेम ज्वाइंट है, आप चाहे लिख लें। यहाँ पर हेलाइन कार्टिलेजियस जो जोड़ता है दोनों को, बिटवीन रिप्स एंड स्टर्नम, कौन सा ज्वाइंट है आप यहाँ लिख दें, सर ये कार्टिलेजियस ज्वाइंट है, कौन सा कार्टिलेज यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है, ब्रेकअप लिख लीजिए, एनसीईआरटी लिखा हुआ है, फट से लिखे आप, सर ये तो हेलाइन कार्टिलेज है। तो ये हमारे चेस्ट के बीचों बीच में एक बोन पड़ी हुई है, इस बोन का नाम क्या है, इस बोन का नाम है स्टर्नम, एनसीईआरटी थोड़ा सा डिस्कशन किया है, मैं चाहता हूँ आप भी इसका पूरा डिस्कशन कर लें। याद रखना है इसकी जो जिफॉइड प्रोसेस है, खास करके इसको ध्यान रखना है कि इसकी जो जिफॉइड प्रोसेस है वो एच शेप्ड है, इसे भी आपको याद करना है। ज्वाइंट्स हम लोग लगातार देखते चले जाएंगे, मतलब इस लोकेशन में जितने भी ज्वाइंट्स हैं, चाहे क्लेविकल यहाँ आके जुड़ा हो, चाहे यहाँ से रिप्स आके जुड़ रही हो, ये जितने भी ज्वाइंट्स हैं सबके सब कार्टिलेजियस ज्वाइंट है। इसलिए देखिए, सांस छोड़ा आपने, सांस लिया तो ये लगातार हल्का हल्का पार्शियली मूव करता रहता है, लंग्स में एयर भरने के लिए, लंग्स से एयर पास करने के लिए ये ज्वाइंट जो है कार्टिलेजियस ज्वाइंट इसके यहाँ पर एडाप्टेशन डेवलप करते हैं। आइए रिप्स के बारे में देखा जाए, रिप्स देखते हैं हम लोग, रिप्स ये बगल में जो पड़ी हुई है, रिप्स के बारे में देखा जाए तो रिप्स पहले ह्यूमन में आप ये समझे कि रिप्स में जो है, रिप्स ह्यूमन में 12 पेयर्स है, 12 पेयर्स इन ह्यूमन, ये 12 पेयर्स इन ह्यूमन, मनुष्य में जो रिप्स है इनकी टोटल संख्या 12 पेयर्स, ये देखिए 12 पेयर इन ह्यूमन, ये 12 जोड़ी रिप्स है हम लोगों में। और अगर आप रिप्स को देखें तो रिप्स जो है दे आर, पहले ये कमेंट लिख लिया जाए फिर डिस्कस किया जाए, दे आर डॉर्सली अटैच्ड विद, दे आर डॉर्सली अटैच्ड विद वर्टिब्रल कॉलम, दे आर डॉर्सली अटैच्ड विद वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली अटैच्ड विद स्टर्नम। डॉर्सल साइड में वो अटैच्ड है वर्टिब्रल कॉलम से और वेंट्रल साइड में अटैच्ड है स्टर्नम से। ये रिप्स अगर आप ध्यान से देखें तो पीछे की तरफ से आ रही है ये वाली, तो ये पीछे की तरफ से जो आ रही है अगर आप देखें तो पीछे कौन है वर्टिब्रल कॉलम है और आगे कौन है ये स्टर्नम है, इनसे ये अटैच है, डॉर्सल साइड में ये वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है और वेंट्रल साइड में ये स्टर्नम से अटैच है। अगर आप इसका फिगर बनाएं, एक बात और देखें, डॉर्सली ये एनसीईआरटी लाइन है, क्योंकि ये एनसीईआरटी लाइन है, पहले मैं लिख देता हूं कि ये एनसीईआरटी लाइन है, डॉर्सली दे हैज टू आर्टिकुलेशन पॉइंट, ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, डॉर्सली दे हैड टू आर्टिकुलेशन पॉइंट हेंस कॉल्ड बाइसिफेलिक। आप इस बात को फोकस करेंगे, समझेंगे इस बात को कि इसने दोनों साइड की बात नहीं की है, उसने ये बात कही कि इसके डार्सल साइड में दो आर्टिकुलेशन पॉइंट है, मतलब अगर आप वर्टिब्रल स्टर्नम देख रहे हैं, सॉरी अगर आप रिप्स देख रहे हैं तो रिप्स में जो डॉर्सल साइड है जहां पर वो स्टर्नम वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ेगी उसके पास तो जो है क्या कहते हैं कि आर्टिकुलेशन पॉइंट है, ये थिन है और ये फ्लैट बोन भी है, ये देखिए थिन होने का फायदा यह है कि कर्वेचर बनाती है। अगर आप इसका फिगर देखें तो इसका फिगर कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगा आपको, अगर आप इस साइड को डॉर्सल साइड मान लें तो ये एंड है जिससे वो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ेगी,
इसे हम लोग वर्टिब्रल इंड कहते हैं। ये इंड है जिससे वो स्टर्नम से जुड़ेगी, इसलिए इस इंड को हम लोग स्टर्नल इंड कहते हैं। ये बीच का जो राउंड राउंड है इसे हम लोग शाफ्ट कहते हैं। समझे इस बात को आप? यहां पर दो चीजें हैं, क्योंकि उसमें लिखा है टॉर्सली, इसके पास दो इंड हैं। तो पहला इंड हो गया इसका आर्टिकुलेशन, इस इंड को हम लोग हेड कहते हैं। दूसरा हो गया इसका जो है नेक हो गया इसी पॉइंट पे, इसे ये दूसरा। तो ये दो पॉइंट है टार्सल साइड में जहां पर वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ेगी, इसलिए इसको बाइसेफेलिक कहते हैं। हेड और नेक दो पॉइंट है। अच्छा, थोरेसिक वर्टिब्रे से जुड़ेगी तो थोरेसिक वर्टिब्रे पे जो है पोजीशन होगी जहां पर हेड नेक दोनों जुड़ेंगे। ये लोकेशन है स्टर्नल इंड पर, यहां पर जहां पर इसमें हेलाइन कार्टिलेज मिलेगा और ये कार्टिलेज से ज्वाइंट बनाएगी। हेलाइन कार्टिलेज मिलता है, मतलब जब ये स्टर्नम से जुड़ती है तो इसमें हेलाइन कार्टिलेज मिलता है जो इसको जोड़ने का काम करता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये बाइसिफाइलिक का सेंस क्या हुआ। एनसीईआरटी ने ये बात क्यों लिखी है कि डार्सल साइड में उनके पास तो आर्टिकुलेशन पॉइंट है, इसलिए उन्हें हम लोग बाइसिफाइलिक कहते हैं। थिन बोन है, फ्लैट बोन है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये 12 ईयर्स जो है इनकी और क्या क्या बातें हम लोग पढ़नी पड़ेगी। अगर आप देखें तो इसमें फर्स्ट से लेके सेवंथ पेयर तक इन्हें हम लोग टू रिब्स कहते हैं। टू रिब्स किस मतलब क्या हुआ, क्या वो कोई झूठी टू रिब्स का सेंस क्या हुआ? टू रिब्स उन्हें कहते हैं जो डॉर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हों, वेंट्रल साइड में स्टर्नम से जुड़े हों, उन सारे रिब्स को हम लोग टू रिब्स कहते हैं। मतलब आपको समझना है कि डॉर्सली अटैच्ड विद वर्टिब्रल कॉलम, डॉर्सली अटैच्ड विद वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली अटैच्ड विद स्टर्नम। जैसे किसी भी स्टमक को ट्रू स्टमक क्यों कहते हैं? ट्रू स्टमक उसी स्टमक को कहते हैं जिसमें एससीएल सिक्रीट होता हो। ऐसे ही किसी वर्टिब्रे को ट्रू रिब्स तब कहेंगे जब वो डार्सल साइड में वर्टिब्रे से जुड़ी हो वर्टिब्रल कॉलम से, और वेंट्रल साइड में वो टू उससे जुड़ी हो स्टर्नम से, तो उसे टू रिब्स कहेंगे। लेकिन अगर आपको टोटल संख्या देखनी हो तो फर्स्ट है सेवन पेयर हुआ। अगर आप इनके नंबर देखते हैं तो नंबर इनकी हो गई 14, पेयर हो गया सेवन पेयर। पेयर अगर आप देखेंगे तो सेवन पेयर हुआ लेकिन नंबर हो गए 14। इसी तरह से अगर आप देखें तो एट्थ नंबर से लेके ट्वेल्थ नंबर तक, मतलब टोटल फाइव पेयर जो होती है 8 से लेके 12 तक, इन्हें हम लोग फॉल्स रिब्स कहते हैं। ये देखिए, फॉल्स रिब्स इसलिए कहते हैं इन्हें क्योंकि ये, अगर आपको लिखना हो तो लिख ले, इसमें आइडिया रहे आपको, डॉर्सली अटैच विद वर्टिब्रल कॉलम, डॉर्सली अटैच विद वर्टिब्रल कॉलम। डार्सल में साइड में तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े हुए हैं लेकिन वेंट्रल साइड में ये स्टर्नम से नहीं जुड़ते हैं, इसीलिए इनको हम लोग फॉल्स रिब्स कहते हैं। इस पे भी आपको ध्यान रखना है, इलेवेंथ और ट्वेल्थ को हम लोग फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। फ्लोटिंग रिब्स मतलब फ्लोटिंग रिब्स जो है एक तरह की फॉल्स रिब्स है, और इनकी टोटल अगर पेयर देखा जाए तो ये टू पेयर है। कौन कौन सी नंबर है? 11 नंबर की और 12 नंबर की, टोटल टू पेयर है। तो 11 से 12 टू पेयर हुई एक तरफ, दोनों तरफ टोटल हो गई, हाँ टू पेयर है एक तरफ, तो इसको आपको ध्यान रखना है। फाइव पेयर हो गई वो और टू पेयर ये हो गई फ्लोटिंग रिब्स। अगर आप इसका फिगर बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना लें आप। देखिए फिगर देखिए इसका, ऐसे कुछ फिगर बनता है इसका।
ये जो कोण है इसे आप स्टर्नम कहते हैं, ये देखिए यहां पर क्लेविकल आके जुड़ती है, इसलिए इस नोज को हम लोग क्लेविकुलर नोज कहते हैं। ये देखिए क्लेविकल आके यही जुड़ती है, इसलिए इस नोज को हम लोग क्लेविकुलर नोज कहते हैं। आपको पता होगा ये मेनुब्रियम है, ये बॉडी है और ये प्रोसेस है, स्टर्नम है। किस साइड में है अगर आपको लिखना होगा तो ये मिड बेंटल है, ये भी आप लिख दें ताकि आपको बोन में कोई प्रॉब्लम ना आए। बेंटल साइड के बीचों बीच ये बोन है, इसलिए इसको हमने लिखा कि ये मिड बेंटल है। ये देखिए अब आप दूसरी तरफ देखें, एक तरफ आप यहां पर वर्टिब्रल कॉलम बना दें, ये देखिए इसका नाम लिख दें सर ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये है वर्टिब्रल कॉलम। किस साइड में है? ये है डॉर्सल साइड में। ये देखिए वर्टिब्रल कॉलम है डॉर्सल साइड में और पीछे की तरफ है, और जो स्टर्नम है वो वेंट्रल साइड में है। अब आपको करना क्या है, अब आप देखिए ये फर्स्ट पेयर हो गई, कहां से निकली है देखिए, डॉट्स वर्टिब्रल कॉलम से स्टर्नम से जुड़ गई, ये दूसरी पेयर है, ये तीसरी पेयर है, ये चौथी है, ये पांचवी है, सिक्स नंबर है, सेवन नंबर है, चाहे आप नंबर डाल दें, एक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। ये सात नंबर की रिब्स हैं जो डॉर्सल साइड के कहां से चल रही है, अगर आप देखें तो ये डॉर्सल साइड के वर्टिब्रल कॉलम्स चल रही हैं और स्टर्नम से जाके जोड़ रही हैं। यहां पर जो कार्टिलेज इनको कनेक्ट कर रहा है इस पोजीशन पे, यहां पर जो कार्टिलेज इन्हें कनेक्ट कर रहा है, ये देखिए इस कार्टिलेज का नाम हेलाइन कार्टिलेज है, एनसीईआरटी ने लिखा है इसलिए आपको भी लिखना है। कार्टिलेज का नाम क्या है? हेलाइन कार्टिलेज है जो इन्हें कनेक्ट कर रहा है, ये देखिए। तो अगर आप देखें तो फर्स्ट से लेके सेवंथ पेयर तक को, फर्स्ट से लेके सेवंथ पेयर तक को, फर्स्ट लेके सेवंथ पेयर तक को हम लोग कहते हैं, नाम देखिए आप अपने आप लिख सकते हैं, वर्टिब्रो वर्टिब्रो ब्रो वाला नहीं जो आप सोचते हैं, वो ब्रो नहीं है, ये वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स है। ये देखिए वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स क्यों कहा गया? डॉर्सल साइड से वर्टिब्रल कॉलम से चल रही हैं और वेंट्रल साइड भी स्टर्नम से जुड़ जा रही हैं। ये कौन कौन सी है? फर्स्ट से सेवन पेयर है, ये पहली कैटेगरी हो गई। दूसरा देखिए, ये एट्थ नंबर की है, ऐसे आप चाहे लिख दें, ये एट्थ नंबर की है, और देखिए आप ये नाइन्थ नंबर की है और ये टेंथ नंबर की है, ये सातवीं से आके जुड़ जा रही है। ये वाली कौन सी है? सेवंथ नंबर वाली है। तो एट्थ नाइन्थ और टेंथ सेवन नंबर से आके जुड़ जा रही हैं। तो ये देखिए ये पहली कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी अगर आपको देखना है तो आप यहीं पर लिख लें, क्लियर हो जाए बात। एट्थ को, नाइन्थ को और टेंथ को, मतलब ये थ्री पेयर हुई, ये थ्री पेयर हुई, दोनों तरफ मिला के थ्री पेयर हुई। इनका नाम अगर आपको लिखना हो तो एनसीईआरटी लिखा हुआ है कि इनका नाम है वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। ये देखिए वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स है, एट नंबर की, नाइन नंबर की, टेंथ नंबर की, सेवन नंबर से जाके जुड़ जा रही है। यहां पर खास तरह के कार्टिलेज है जो इनको डिपॉजिट यहां पर जोड़ने का काम कर रहे हैं, सेवन नंबर पर जुड़ रही हैं। अब लास्ट की दो वर्टिब्रा बनी हुई हैं, ये देखिए ये ग्यारह नंबर की है जो फ्री है, ये बारह नंबर की है जो फ्री है, मतलब अगर आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, ये इलेवंथ नंबर की है और ये ट्वेल्थ नंबर की है। इलेवंथ और ट्वेल्थ नंबर की जो है फ्री रिब्स हैं, इसलिए जो हम लोग वर्टिब्रल रिब्स कहते हैं। चाहे आप यहां लिख लें इलेवंथ और ट्वेल्थ की रिब्स को हम लोग वर्टिब्रल रिब्स कहते हैं। ये कहानी आपके स्टर्नम की,
यह है कहानी एनकेटी की जुबानी। आपको ध्यान रखना है, अगर आप इसको नहीं याद करेंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ज्वाइंट की बात अगर कर ले, अब पढ़ रहे हैं तो ज्वाइंट भी पढ़ लें। तो ज्वाइंट जो है, ये जो ज्वाइंट यहां पर जितने आप देख रहे हैं सारे ज्वाइंट्स कार्टिलेजनस ज्वाइंट है। कार्टिलेजनस ज्वाइंट जो होते हैं पार्शली मूवेबल होते हैं। कार्टिलेजनस ज्वाइंट पार्शली मूवेबल होते हैं, देखिए बिटवीन स्टर्नम एंड रिब्स, ये देखिए यह है कहानी वर्टिब्रल कॉलम की, जिसे सीखना है आपको। कहीं कोई मिस्टेक नहीं करनी है। एक से नंबर लेके सेवन तक, जैसा इस तरफ आप देख रहे हैं ऐसा उस तरफ भी देख रहे हैं। ये जो स्पेस बन रहा है इस लोकेशन पे, इस स्पेस को हम लोग मेरिस्टाइनल स्पेस कहते हैं, मेरिस्टाइनल स्पेस कहते हैं। ये देखिए चलते चलते एक चीज जो छूटी जा रही है वो जरूर सीखना है। आप यहां पर एक बार देख लें, एनसीईआरटी लिखा थोरेसिक केज क्या है। देखिए थोरेसिक केज कौन कौन बनाता है, तो थोरेसिक केज के बारे में आप देख लें कि थोरेसिक केज को बनाने वाले कंपोनेंट्स तीन हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स क्लियर करें, एक तो रिब्स है पूरी की पूरी, किडनी पेयर है, 12 पेयर है। दूसरा वर्टिब्रल कॉलम है, ये देखिए वर्टिब्रल कॉलम है। और तीसरा जो है वो स्टर्नम है। ये लोग थोरेसिक केज बनाते हैं। पढ़ना इसलिए जरूरी है कि इस खूबसूरत एनसीईआरटी ने इसे एक्सप्लेन किया है। रिप्स बगल में, वेंट्रल साइड में स्टर्नम और पीछे वर्टिब्रल कॉलम, ये मिलकर एक कैविटी बनाते हैं, एक केज बनाते हैं, कठघड़ा बनाते हैं, जिसके अंदर लंग्स हैं, हार्ट है, थोड़ा सा उसको भी प्रोटेक्शन मिल रहा है। तमाम विसरल ऑर्गन इस लोकेशन में जो पड़े हुए हैं, ये जो मजबूत एरिया है, एक हड्डी का ढांचा है, जैसे जैसे पक्षी जो है एक केज में रखा जाता है, इसी तरह से जान लीजिए कि जीवन का एक ये अनमोल जो जीवन है वो इस थोरेसिक केज में रखा गया है या रिब केज में रखा गया है। जो वेंट्रल साइड में ये स्टर्नम है, डार्सोलेटल साइड में ये रिब्स हैं और पीछे वर्टिब्रल कॉलम है। इसी के अंदर, इस कटघड़े के अंदर, इस केज के अंदर ढेर सारे विसरल ऑर्गन्स जो है पड़े हुए हैं, इसलिए एनसीईआरटी ने इन्हें जो है थोरेसिक केज कहा है, जिसके अंदर ढेर सारे ऑर्गन पड़े हुए हैं। थोरेसिक केज को तीन लोग बना रहे हैं, रिब्स बना रही है, वर्टिब्रल कॉलम बना रही है, स्टर्नम बना रही है। एनसीईआरटी कहती है, अगर एनसीईआरटी कहती है तो सही होगा, और आपको इस पे आंख बंद करके विश्वास करना चाहिए।